तो जी हाँ गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत है वन क्लू गेमिंग की लास्ट डे रूल सर्वाइवल सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखने गाइस। लिटरली आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हमने जो मेडल टैली में नंबर 1 में था उसका बेस को रेड करा था। तो गाइज उसको हमने अराउंड 2-3 घंटे तो वैसे ही परेशान करा, जितना उसका वुडन सेक्शन था वो पूरा हमने मचेट से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप देख सकते हो हम यहाँ पे मचेट से मजे कर रहे हैं। वो आ चुका है आयरन का आर्मर पहन के, तो फटाफट से मारते हैं। तो गाइज उसको मारना तो इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके पास डबल उजी थी। तो गाइज दोबारा से हम गए थे एंड उस टाइम पर तो मेरे पास ओनली क्या था, वुडन क्लब, वो देख सकते हो। चलो गाइज उसके पीछे चलते हैं एंड इसके बाद गैस हम डायरेक्ट रेड कर देंगे इनके ऊपर। तो गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी गैस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ गैस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फाइनली दोस्तों, ये सर्वर हमने ऑलरेडी पहले क्विट कर दिया था, तो हम कुछ दिन पहले आए, हमारा बेस ऑलमोस्ट बचा हुआ था एंड हमारे एक प्लेयर राहिन जिसको जो कि यूनिकॉर्न गेमिंग वो इस सर्वर में खेल रहे थे। तो फाइनली हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे खेलते हैं, रेड करते हैं। तो हमने एक दिन दबा के फार्मिंग करी एंड गाइस अब फाइनली टाइम आ चुका है इसके बेस को रेड करना है, जो कि हमारे सर्वर में नंबर 1 में। तो फाइनली यहाँ पे मेरे को राहिन ने 10 ऑयल ड्रम दे दिए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है मेरे को गाइस अराउंड कुछ डोर्स तोड़ने, जिससे हम यहाँ से अपने बेस से इजीली रॉकेट दाग सके इसमें, क्योंकि हम इसमें ओनली रॉकेट से रेड करने वाले हैं। एंड आप इसकी लूट देख के ना गाइज आपको भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है कि इतने भर भर के लूट लगी रखी हुई थी, अराउंड 3000 तो स्टील था गाइज इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से मैं ऑयल ड्रम लगाता हूँ। तो यहाँ पर 2 डोर्स तो टूट चुके हैं एंड ऊपर के डोर्स आई थिंक टूटे नहीं। तो ऐसे करें, सबसे पहले ऊपर के डोर्स तोड़ते हैं। तो जी हाँ गाइस, चलिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, ऊपर के डोर्स तोड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने बोला ऊपर मत लगाओ, नीचे लगाओ। तो मैं चलो ऐसे करते हैं, अब नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने बताया यहाँ पे लगाओ बम। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं बम लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं अराउंड गाइस, उसमें डैमेज पड़ा। तो गाइज इसके बाद लिटरली काफ़ी मज़ा आने वाला है जब रॉकेट्स लगेंगे ना इसके बाद। गाइज मेरे को इसके ही बम से मैं इसको नॉक वो ख़त्म करने वाला, देखना मेरे को गाइज इसके बेस से अराउंड 25 या 26 C4 मिलते हैं, वही जो फाइनल में हमारे काम आते हैं। गाइज कैबिनेट हमने उसी C4 से ढूंढी थी। तो यहाँ पे से गाइज अब हो चुकी है हमारी रेड स्टार्ट। तो फाइनली यहाँ पर हमारी रॉकेट्स दगने लग चुकी है एंड रॉकेट्स हम करने वाले हैं इसमें ड्रिल। तो देखते हैं कब तक इसमें ड्रिल होता है पूरा एंड मैं भी चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे। और ये बंदा गाइस ऑनलाइन है एंड इसको यहाँ पे इस अपना बेस रिपेयर करने का कोई भी चांस नहीं मिल रहा था, कि इसने बेस गाइस इसी तरीके से बना रखा था कि वो रिपेयर भी नहीं कर सकता था। तभी बोलते हैं नॉर्मल बेस बनाओ एंड ईजिली रिपेयर हो जाए जो। तो यहाँ पे अगर वो बंदा अगर हमारे जैसा बेस रहता तो वो ईजिली उसको रिपेयर भी कर सकता था, पर इसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल था। तो अभी यहाँ पे यूनिकॉर्न गेमिंग लगा रहे हैं C4, नहीं हैंडमेड लगा रहे हैं गाइज, यहाँ पे हैंडमेड से ही काम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी में तैरने लगे हैं, पानी में घुस गए। अभी कौन सा ग्लीच है ये पानी के अंदर, यहाँ पे तो गाइज वो चिल्लाने में लगे थे मेरे को बचाओ यार मैं पानी के अंदर घुस चुका हूँ। तो हमने ऐसा बोला कि सेल्फ रिच कर दो, उसी के बाद बाहर निकलेगा, वरना वैसे बाहर नहीं निकलने वाला। तो आप देख सकते हो वो पानी के अंदर ही घुसे पड़े वहाँ पे। तो यहाँ पे उस बंदे ने ऑटो कैनन लगा दी है, बहुत तेज हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरे को ये हमें धमकी दे रहा था कि काउंटर रेड करेंगे। तो फाइनली उसके बाद हमने डिसाइड करा कि चलो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3-4 बज चुके हैं सुबह के, तो अब रेड कर ही देते हैं इनमें, देखी जाएगी। अगर हमारे बम्स नहीं बचे तो हम अपने जितने भी पॉइंट्स हैं वो हाइड कर देंगे एंड उसके बाद देखेंगे। अगर बेस सही रहेगा तो अगले दिन रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमें रेड करने का जो हमने डिसीजन लिया वो एकदम बेटर डिसीजन था। तो ऑलमोस्ट गाइज इसका स्टील का सेक्शन तो आ चुका है एंड यहाँ पर हमें करना क्या है,
अब इसके स्टील के सेक्शन तोड़ना एंड इसका लूट एरिया ढूंढना है। एंड जैसे ही गाइज इसका लूट एरिया मिलेगा तो मेरे को इसके अंदर जाके मिलने वाले हैं बहुत सारे C4। तो आप देखते रहिए गाइज, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज अभी एक चीज़ होगा, वो बंदा यहाँ पे देखो गाइज रॉकेट दागेगा हमारे ऊपर, जिससे हम मैं तो जाऊँगा, फिनिश हो जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा वो बंदा है कहाँ पे। अच्छा गाइज उस कोने में। तो देखो गाइज रॉकेट आया, गए। तो मैं गाइज यहाँ पे अपने बैग से दोबारा से स्पॉन होकर यहाँ पे आया एंड मैंने अपनी सारी लूट उठाई। तो यहाँ पे गाइज इसके बाद हमें मिलने वाला है इसका लूट एरिया, जहाँ पे गाइज इसने काफ़ी सारे बम्स रखे हुए हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को लिटरली गाइज इतने सारे बम मिलते हैं ना कि तब तो गाइज मैंने तो सीधा लगाया गाइज और सीधा पहुंचा मैं कहाँ, कैबिनेट के अंदर। आप भी देखते रहिए, आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब मैं कैबिनेट तक पहुंचा। तो यहाँ पे आवाज़ आई थी मेरे को ज़रा कैबिनेट टूटनी सी की, तो मैंने सोचा कि आई थिंक कैबिनेट टूट चुकी है, तो मैं यहाँ पे कैबिनेट लगाने रखा। बाद में पता चला भैया यहाँ पे तो कैबिनेट टूटी नहीं। तो यहाँ पे हम ओनली 4 बंदे रेड कर रहे हैं। इसने गाइज यहाँ पे ऑटो कैनन रखा के रखी हुई है, तो हम इसलिए आगे नहीं जा रहे। तो सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा, हमें ऑटो कैनन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी उसकी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। आई थिंक ऑटो कैनन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मैं फटाफट से ऐसा करता हूँ लूट उठाता हूँ। तो देखना गाइज यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा C4 मिलने वाले हैं। एक बार तो मिले नहीं, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ये देखो गाइज कितनी सारी बजूका एंड फाइनली यहाँ पे देखिए गाइज 25 C4, 6000 स्पेस रखे हुए गाइज इन्होंने। तो मैं गलती से यहाँ पे गिर चुका हूँ एंड मैंने जो हमारे टीममेट थे ना गिरे हुए, तो मैंने उनसे बोला कि नीचे बैठो, मेरे पास बम्स है, मैं बम्स लगाने जा रहा हूँ। तो वो सीधा नीचे बैठ चुके हैं एंड फाइनली गाइज मैं यहाँ पे बम लेके आ चुका हूँ यहाँ पे बाहर, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। तो चलिए दोबारा से चलते हैं बम्स लगाने के लिए। तो ऐसा करेंगे C4 लगाएंगे, अराउंड 12 C4 में एक वाल टूटता है ना, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने C4 तो यहाँ पे कम ही लगाए थे एंड मेरे टीममेट जो थे वो सेल्स भी मारे थे इसमें। तो अराउंड गाइज इतने में हो जाएगा, क्योंकि 10 C4 तो मैंने लगा दिए, एक दो सेल्स उन्होंने भी मारे। तो जी हाँ गाइज, आई थिंक इसकी कैबिनेट इसके अंदर रखी हुई है। तो फटाफट से ऐसा करना है, हमें इस वाले सेक्शन को करना है इसका डिस्ट्रॉय। मेरे को 100% श्योर है गाइज कैबिनेट यहीं रखी हुई है उसकी, 101% श्योर। तो इसलिए मैं वहाँ पे इतने ज़्यादा C4 लगा रहा हूँ, वरना अगर मेरे को अगर श्योर नहीं होता तो मैं लिटरली गाइज वहाँ पे लगाता भी नहीं। तो फटाफट से करते हैं, अभी भी नहीं टूटा गाइस, क्या है ये। तो यहाँ पे हमारे टीममेट आकाश को दोबारा रॉकेट दाग दी गई है एंड यहाँ पे हमारे दिलीप भाई ने उनके ऊपर फिर से रॉकेट दागेंगे एंड वो भी गए। तो ऐसे करता हूँ, मेरे पास जितने बम्स बचे हुए हैं C4 वो लगा देते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमें इसकी कैबिनेट मिल चुकी है। तो फटाफट से ऐसा करते हैं इसकी कैबिनेट डिस्ट्रॉय कराते हैं, उसके बाद लगाने वाले हैं हम अपने क्या गाइज कैबिनेट। तो इसके बाद गाइज जो यहाँ पे ऑटो कैनन चलती है ना, लिटरली गाइज वो बंदा हिलेगा भी नहीं कहीं। तो यहाँ पे मेरी ऑटो कैनन तो लग चुकी है, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ अपने टीममेट्स को टफ दे देता हूँ, एक राहिन को, एक आकाश को एंड एक एजी बॉट को। तो गाइज इसके बाद आप भूख दोगे ना इसके बेस में, आपकी भी गाइज आँख की फटी रह जाएगी। तो मैं तो सोच रहा था पहले अगर ये बंदा निकलता नहीं है बाहर, तो इसका बेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूँ। ऑलमोस्ट गाइज मैंने वुडन सेक्शन तो इसका डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि बाद में मेरे को लगा कि बेस डिस्ट्रॉय क्यों करना, अगर लूट होगा तो जाएगा कहाँ।
देख सकते हो मैं और राइन तो लगे हुए बेस तोड़ने में, क्योंकि पहले तो हम एकदम परसेंट श्योर थे कि इसका बेस पूरा डिस्ट्रॉय करना है। एंड यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, अराउंड 350 पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने डोर्स बंद कर दिए, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि मैं अंदर कहाँ से जाऊँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं जाता हूँ एकदम दो डोर से डोर डिस्ट्रॉय कर करके इनके अंदर जाता हूँ। तो चलिए फटाफट से ऐसे करते हैं, डोर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बंदे है कहाँ पे, इतने सारे डोर्स तोड़ दिए फिर भी मेरे को नहीं मिल रहा है। तो बाद में मेरे टीममेट्स आते हैं कि यहाँ पे आओ, तो मेरे पास वुड तो था नहीं तो मैं कवर भी नहीं कर सकता था। तो फटाफट से चलते हैं गाइज, आपको लूट दिखाऊंगा बस मैं इसके बाद। लूट्स गाइज आप भी देखोगे ना, इतनी दबा के लूट रखी हुई है इनके बेस में। अगर ये चाहे तो हमारे हमारे बेस जैसे तीन बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे से चलते हैं, मैं भी अब होल ड्रिल करता हूँ। तो यहाँ पे तो इन्होंने बंद कर दिया। एंड मैं गाइस उस टाइम भूल चुका था कि मेरे पास मेरे ही कैबिनेट है, इसलिए मैं वो तोड़ नहीं पाया। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लूट के बॉक्सेस भर भर के गाइस लूट रखा हुआ है, एंड पासवर्ड लगा हुआ था। तो मैं डिस्ट्रॉय करके देखूंगा अभी कितनी लूट मिलती है हमें। यहाँ पे गन्स वाला सेक्शन है गाइज, इनका गन्स AKM M4 तो बहुत भरी पड़ी है। तो अभी ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी लूट देख रहे हैं। तो यहाँ पे AKM मेरे को मिल गया, M4X मिला, स्टील का आर्मर अटैचमेंट। तो गाइज इतने सारे अटैचमेंट रखे हुए इन बंदों ने। तो आयरन, एक चेस्ट आयरन है गाइज ये। तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट से बोल रहा था फटाफट से क्या लगाओ, चेस्ट लगाओ। हम ऐसे करते हैं डोर डिस्ट्रॉय करने के बाद इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी ने हमारा वाल तोड़ा, आई थिंक अपने ही टीममेट ने बम्स लगा के अपनी वॉल्स तोड़ रहे अपने टीममेट तोड़ रहे हैं गाइस। वो जाएगा अब अपने वाटर कैनन से। तो ऐसा करते हैं चलिए अब करते हैं अपने डोर डिस्ट्रॉयज, मतलब चेस्ट डिस्ट्रॉयज, जहाँ पे से हमें मिलने वाली है लूट। तो सिरिंज, आयरन आर्मर, वाली चेस्ट। तो आपने स्पेस देखे होंगे गाइस, 6000 स्पेस, मतलब ये बंदे बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे देख सकते हो गाइस नंबर वन में आरकाल, जो कि मैं खेल रहा हूँ अभी आरकाल की आईडी से रात को, नंबर सिक्स में, नंबर वन में बोले तो नंबर सिक्स बोल रहा हूँ मैं, 315 पॉइंट। तो मैंने अपने टीममेट से बोला फटाफट से यहाँ पे बॉक्सेस बनाओ। तो आप आयरन देख सकते हो गाइज, लिटरली पूरा और कितना 5000 स्टील थे लिटरली गाइज, इतना ज़्यादा स्टील ये बंदे लाए कहाँ से, 2500 स्टील, 2100 स्टील। तो फाइनली गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने लूट्स कलेक्ट करके लूट बॉक्सेस में रख दिए। तो आपको भी दिखाते गाइज, ये इस हमारा स्टोन वाला बॉक्स, अभी स्टोन भर रहे हैं। देखिए गाइस एक चेस्ट पूरा स्टोन होगा इसमें। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ओनली 5 की 7 की एमओज है, आर्मर स्पीयर। खाना, खाना तो खूब सारा जमा करके रखा हुआ है, खाने के लिए तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो सिरिंज एंड मेडिकेट्स भी काफ़ी अच्छी रखी हुई है। तो चलिए गाइस गन वाले सेक्शन में चलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फार्मास डबल ऊजी,
गाइस इतनी ज्यादा गन कौन रखता है, लुइस गन कितनी ज्यादा है इनके पास। एकेएम के बॉक्स तोड़ते हैं, चलिए गाइस एकेएम देखते हैं कि इनके बेस में कितनी ज्यादा एकेएम रखी हुई है। ओ भाई साहब, तो चलिए ऐसा करते हैं मैं जितनी भी एकेएम्स हैं वो कर लेता हूँ पिक, क्योंकि उसके बाद में ये एकेएम्स काम आएगी। एकेएम को हम रख देंगे अपने बॉक्सेस के अंदर, तो वो फटाफट से जितने भी एकेएम है वो मैं सारी कलेक्ट कर लूँगा। डबल उजी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत है नहीं। तो चलिए इस वाले बॉक्स में डालें, नहीं है तो आर्मर का बॉक्स पूरा फुल है। तो जी हाँ गाइस इस वाले बॉक्स में डालते हैं हम अपनी एकेएम, जितनी भी एकेएम है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एकेएम्स बना के रखी हुई है उन्होंने, अराउंड कितनी 24 से ऊपर है एकेएम है, 20+ एकेएम है। अब फिर से चलते हैं जो एक और बॉक्सेस है ना उनको करेंगे डिस्ट्रॉय। तो ये तो किचन स्नाइफ है, मचेट है इनके अंदर वाला सेक्शन है। सेवन पॉइंट सिक्स टू बुलेट होंगी इसके अंदर, तो बुलेट्स तो नहीं है, नहीं है बुलेट्स इन्होंने बना के रखी नहीं। आई थिंक बुलेट्स नहीं है गाइस, नाइन का बुलेट्स, क्या भर भर के नाइन का बुलेट्स रखा हुआ है। तो चलिए गाइस ऑलमोस्ट हमारी, हमने जितना भी सामान हमें चाहिए था वो हमने अपने बॉक्सेस में रख दिया है। एंड इसके बाद गाइस मैं फाइनली आपको इस बेस की लूट दिखाने वाला हूँ कि हमें कितनी लूट्स मिली है, क्योंकि अब आधी से ज़्यादा लूट्स मेरी टीममेट्स ने उठा ली थी, कुछ लूट्स मैंने उठाई, कुछ लूट्स मेरे अलग दोस्तों ने उठाई। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली में पूरा लूट नहीं पता होगा कि कितना लूट हमें यहाँ से मिला था। तो ऐसे करते हैं कुछ देर बाद हम इस आपको इस बेस की पूरी लूट दिखाने वाले हैं। इसमें तो कुछ नहीं, ये प्लेट्स का बक्सा है, इसमें ओनली प्लेट्स रखी होंगी। तो आई थिंक इनके पास प्लेट्स नहीं थी, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो यहाँ पे गाइस आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स देखना है, इनके भर भर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, भर भर के गाइस इतने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ये लाए कहाँ से। मेरी ख्याल से गाइस ये मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि अगर रूम्स ही करेंगे गाइस तभी आपको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिल सकते हैं, वरना अगर बंदे खतरनाक होंगे तो अपनी वर्क बेंच से भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अनलॉक कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है करना। वैसे जितने स्पेस है इनके पास तो आई थिंक कर भी सकते थे। अब गैस का बक्सा तोड़ता हूँ कि देखता हूँ कि कितने गैस मिले हमें यहाँ से। गैस भी काफ़ी ज़्यादा है गैस, भर भर के गैस रखे हुए हैं। स्प्रिंग्स ये चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, ये तो डिस्पोन भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑलमोस्ट गैस देख सकते हो कितनी ज़्यादा लूट है यहाँ पे रखी हुई। तो अब मेरे को जाना है ऊपर, ऊपर भी देखने की ऊपर क्या लूट रखी हुई है। ऊपर जाने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, तो यहाँ से चलते हैं। तो इसको मारता हूँ सबसे पहले तो मैं। चल साले तेरा टाइम आ चुका है, चल बेटा तेरा टाइम आ चुका है इस सर्वर से जाने का। एंड एंड दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो था नहीं, ऐसे करते हैं आप चलते हैं सीधा नीचे। एंड आप आपको इसके बेस की लूट दिखाएंगे कि हमें कितना लूट मिला है। एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लूट हमने इनका डिस्पॉन कर दिया है, जैसे स्प्रिंग्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, गेयर्स होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमने इनकी गन्स रखी हुई है। अरियाले सेक्शन में क्या है, लॉन्चर्स एंड स्पीयर्स M762 एंड यहाँ पे AKM। इस बॉक्स में AKM देखे गाइस। अब इस वाले बॉक्स में क्या है, आयरन सल्फर, सल्फर देखो गाइस, सल्फर एंड रॉकेट सेल्स, इतना ज़्यादा रॉकेट सेल्स। इसमें तो हमारी बैरल्स रखी हुई थी एंड इसमें भी थोड़ा सा आयरन है, आर्मर आर्मर
भरा भर भर के गाइज इन्होंने आर्मर बना के रखे हुए। स्टोन का तो पूरा एक बॉक्स है, यहाँ पे भी रॉकेट सेल्स, फिर रॉकेट सेल्स, मतलब गाइज एक बॉक्स भर के तो इनके पास रॉकेट सेल्स ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो वर्क बेंच बनाने के लिए रखी हुई है इन्होंने, पता नहीं कहीं को, एंड मेरे को पता नहीं क्यों रखी हुई है। एंड यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसके ऊपर देखते हैं इसके ऊपर क्या है। क्यूबीजी, भाई साहब गाइस क्यूबीजी देखिए आपने, कितनी ज़्यादा रखी हुई है इन्होंने बना के स्टोन्स। तो गाइस लूट देख के ना मेरी आंखें खुली के खुली रह गई। पाइप्स, प्लेट्स बहुत कम है गाइज इनके, मेरे ख्याल से इन्होंने अपने प्लेट्स का पूरा यूज कर लिया, तभी इनके पास ज्यादा प्लेट्स रखी हुई नहीं है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइज।